एक्सरसाइज 3E, पहले फॉर्मूला को समझो, फॉर्मूला को कैसे लिखा जाता है, फिर उसको एक्सपेंड करना है। कभी भी अगर मान लो ना कि जैसे लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब या होल स्क्वायर या पावर 4 या पावर 5, तुम लंबा से लंबा पावर भी लिख सकते हो a प्लस बी का। रूल क्या होता है सबसे पहले कि सबसे पहले तुम ऐसे लिखना a क्यूब, a क्या है पावर दे दिए a क्यूब, फिर जो पावर है ना उसको आगे लिख दो। अगर यहाँ प्लस है तो सारा टर्म प्लस में होगा, फिर यहाँ देंगे प्लस, फिर जो यहाँ कोफिशिएंट है ना 3 वो यहाँ आगे लिखेंगे और पावर एक घटा देंगे, a का पावर यहाँ पर कितना है एक घटा देंगे 2 a स्क्वायर, और b यहाँ पे नहीं है यहाँ पर पावर एक बढ़ा देंगे यहाँ पर b। फिर अगला टर्म फिर 3 ही लिखेंगे, फिर a का पावर एक और घटा देंगे, पावर 3 है 2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, b का पावर यहाँ 0 है यहाँ 1 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, और फिर यहाँ पे देखो a क्यूब 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर, फिर 3 नहीं लिखेंगे और a भी नहीं लिखेंगे, पावर 3 2 1 0 यहाँ b b स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे b क्यूब, ठीक है। या इसी फॉर्मूला को कोई लिखता है इस तरीके से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसको ब्रेक करोगे देखो यही आएगा। दूसरा आता है आपका ए माइनस बी का होल क्यूब, तो सेम चीज हम लिखेंगे, देखो ए माइनस बी का होल क्यूब सेम यही लिखेंगे, बस क्या करें देखो कैसे, पहला पार्ट टर्म लिखेंगे a का पावर 3 प्लस प्लस है ना फिर माइनस 3 a स्क्वायर b, तो प्लस माइनस फिर क्या देंगे माइनस प्लस प्लस माइनस फिर प्लस फिर 3 a b स्क्वायर, देखो प्लस माइनस प्लस फिर क्या देंगे माइनस बी क्यूब, समझ में आया हैं, समझ में आया। या इसी को तुम लिखोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और फिर ब्रैकेट में a माइनस बी, ऐसे लिखोगे देखो सारे जगह माइनस लिखे, फॉर्मूला क्या हुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, या अगर ऐसे लिखोगे तो ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, क्लियर। अब हमको अगर एक्सपेंड करना है, लेट्स मान लीजिए दिया हुआ है कोई भी टर्म है, जैसे अगर मान लो दिया हुआ है 3a प्लस 1/4 b का होल क्यूब, ठीक, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ऊपर वाला या नीचे वाला जो भी करना चाहे, तो हम ऐसा करते हैं ना कि नीचे वाला यूज करते हैं ए क्यूब, पहले तो लिखेंगे ए क्यूब फिर बी क्यूब, यहां पर सारे टर्म में लिखना है बी क्यूब, फिर लिखेंगे 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, क्लियर। तो यहां पे लिखेंगे 3a फिर 1/4 b, फिर यहां लिखेंगे 3a 1/4 b है ना, फिर 3a 4 b, देखो कुछ नहीं किए हैं, इसको a माने इसको b माने, a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी, अब क्या बन चुकी 1/4 b, हाँ वही 1/4 b को हम 4 b लिख दिए हैं, समझे, यहाँ 1/4 b, ठीक। चलिए तो 3 का क्यूब कितना होता है 3 into 3 into 3 27,
यहाँ पर लिखेंगे 27 ए क्यूब 1/4 का क्यूब कितना हुआ 64 तो 64 बी क्यूब फिर देखो 3 3 9 9 a बी नीचे में है ना इसका ऐसे लिखेंगे 9a/4b फिर 3a/1/4b ठीक है फिर एक टर्म और लिख देते हैं 27a³ + 1/64 b³ अब यहां से ब्रैकेट को ब्रेक करो 9a/4b मल्टीप्लाई किससे होगा 3a से ऊपर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है 9 × 3 कितना होगा 27 तो 27a² / 4b और फिर 9a मल्टीप्लाई होगा a 1 से तो 9a और 4b से 16b² समझ में आ गया चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं उसको बनाकर दिखाओ उसको करो तो सिंपल सा फिर इसको भी ब्रेक करेंगे पहले लिखेंगे ए क्यूब 1 देखो ऐसे फ्रेमिंग कर लेते हैं ए क्यूब बी क्यूब 3ab और फिर क्या लिखते हैं ब्रैकेट में a प्लस बी यहां लिखेंगे 1 2a/3 भी लिख सकते हैं इसको है ना 2a/3 और फिर यहां पे 1 फिर यहां लिखेंगे 2a/3 और फिर यहां लिखेंगे 1 फिर 2a/3 क्लियर चलिए तो अब आपका हो गया 1 का क्यूब 1 फिर यहां पे a ए क्यूब बाय 27 फिर देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाते है ना तो कैंसिल कर देना यहाँ पर हो गया आपका 2a फिर यहाँ पर 1 और 2a/3 इसको एक्सपेंड कर देंगे इसको ब्रेक कर देंगे यहाँ पर आया 1 a क्यूब बाय 27 फिर यहाँ पर 2a फिर 4a² / 3 क्लियर है चलिए अब माइनस वाला देते हैं मान लो लिखे हैं 3x - 5/x² माइनस रहेगा तो पहला काम है ना कि तुम लोग फ्रेमिंग करना तो क्या लिखेंगे a³ - b³ - 3ab और फिर यहां पे a - b a³ - b³ - 3ab a - b ठीक है अब यहाँ पे a की जगह क्या लिखेंगे 3x b की जगह पे 5/x फिर यहाँ पे 3x 5/x और फिर यहाँ लिखेंगे 3x 5/x क्लियर तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 तो लिखेंगे 27x³ - 5 का क्यूब कितना हुआ
125 एक्स क्यूब, 3 जा, अच्छा यहां से देखो x x कैंसिल हो जाएगा है ना, x x को तुम कैंसिल कर दो तो 3 जा 9 5 जा 45, यहां लिखेंगे माइनस 45, यहां लिखेंगे 3x माइनस 5 बाई x, क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर लो, यहां पर आपका 27 x क्यूब 125 x क्यूब बाय x क्यूब, 45 इंटू 3 कितना होता है 135 x माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर हो गया प्लस 45 जा 225, 45 जा 225, यहां लिखे 225 बाय में कितना x आ गया था। चलिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अब तुम लोग बनाकर दिखाओ। देखो 4/5 a माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। चलिए आप लोग खुद से बनाइए, तो मेरा नहीं देखना है, पहला काम है फ्रेमिंग करेंगे, a क्यूब b क्यूब 3 a b a माइनस बी, तो यहां पर लिखेंगे 4a/5 2 4a/5 2 4a/5 माइनस 2, ठीक है। 4 का क्यूब होता है 64 a क्यूब 125 2 का क्यूब 8, फिर यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12 12 2 जा 24 a बाय में 5, फिर यहां लिखेंगे 4a/5 माइनस 2, उसके बाद इसको ब्रेक कर देंगे 64 a क्यूब 125 माइनस 8, अब इसको ब्रेक करेंगे 24 4 जा 96 a स्क्वायर बाय में 25 माइनस माइनस प्लस 24 2 जा 48 a बाय में 5, क्लियर है सर क्वेश्चन। देखो अब आपका क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइज से रिलेटेड है, अब एक्सपैंड नहीं करना, पहले एक्सपैंड करना था अब फैक्टराइज करना है। जैसे दिया हुआ है 8 a क्यूब 27 b क्यूब फिर 36 a स्क्वायर b 54 a b है ना, तो हम a प्लस b का होल क्यूब या a माइनस b का होल क्यूब के टर्म में देखते हैं कि आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले इसको a किसका क्यूब है, 2 का, तो हम इसको लिखेंगे 2 क्यूब, a क्यूब आ गया, ये किसका क्यूब है
तो 3b का क्यूब, तो b क्यूब आ गया। अब हम यहां पर ऐसे लिख देते हैं 3a, a कितना होता है 2a, और b कितना है 3b, लिख सकते हैं ना हम, लिखे a क्यूब b क्यूब आ चुका है। यहां अपने मन से लिख रहे 3ab, कोई बात नहीं, तुम इसको छोड़ दो ना, हम जो समझ ये a क्यूब लिखे ना b क्यूब लिखे ना, अब इन दोनों टर्म को तुमको देखना नहीं है। यहां पर हम क्या लिखे 3ab लिख दिए, और ब्रैकेट में लिख देते हैं a प्लस बी, a प्लस बी, तो लिखे 2a प्लस 3b। अब देखो क्या होता है कि 2, 3, 2 जा 6, 6, 3 जा 18, 18 ये भी है ना, 18 ए बी को मल्टीप्लाई करो 2a से, तो 36a² b आ जाएगा, ये आ जा रहा है इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे, और 3, 2 जा 6 18ab को 3 से मल्टीप्लाई करो b से, तो 18ab को मल्टीप्लाई करेंगे 3b से, तो 18 3 जा 54, यहाँ b² हो जाए ना, और आपका फॉर्मूला भी सेट कर दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab a प्लस b, ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस b का होल क्यूब। तो हम यहाँ लिखेंगे 2a प्लस 3b का होल, लिख दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, सिक्सटी फोर बाई वन ट्वेंटी फाइव ए क्यूब 96 बाई 25 ए स्क्वायर, फिर 48 बाई 5 ए माइनस 8। पूरे टर्म में तुमको पहले ए क्यूब बी क्यूब देखना है कि नहीं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तीन टर्म रहता था ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ढूंढते थे, तो यहां देखो तो ए क्यूब और बी क्यूब कहीं टर्म है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे, देखो ये हो गया 4 बाई 5 ए होल क्यूब हो गया ना, और यहां पे आपका है -2 क्यूब। फिर फॉर्मूला एक देखिए, दो फॉर्मूला लिखे थे, एक फॉर्मूला लिखे थे इस तरीके से ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, शायद इस तरह का फॉर्मूला लग रहा है, प्लस माइनस है ना, ए क्यूब आ गया बी क्यूब आ गया, बीच में देखते हैं 3a² ए स्क्वायर कितना है मेरा, यहां देखो तो ए स्क्वायर सेट करने की कोशिश करते हैं, तो 4 बाई 5 ए स्क्वायर, और बी 2 है ना, 3 ए स्क्वायर, इसको ऐसे कर दो ए स्क्वायर बी, अब मल्टीप्लाई करके देखो तो 96 बाई 25 आ रहा, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96 ए स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25 आ गया ना, फिर लिखते हैं प्लस 3ab² है, तो एक जगह पर क्या लिखेंगे 4 बाई 5 ए, और b के जगह पर क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर देखो तो 48 बाई 5 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 जा 16, 16 3 जा 48 बाई 5। अब ये फॉर्मूला बैठा कैसे, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब,
किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल क्यूब, है ना। यहाँ पर लिखेंगे a के यहाँ पर क्या है 4 by 5 a, माइनस बी के यहाँ पर क्या है 2 का होल क्यूब। क्लियर। अगर a क्यूब प्लस, देखो यही टर्म अगर ऐसे रहता है a क्यूब और माइनस बी क्यूब शुरू में आ जाता है, अगर ए क्यू माइनस बी क्यू आ जाता है तो हम इसको इस फॉर्मूला पर रखते ए बी और ए माइनस बी, तो भी ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाता। और अगर इस तरह से स्क्वायर के टर्म में पहले आया तो फिर इस तरह से रखते हैं, ये दोनों सेम ही है, इसको तुम ब्रेक करो ना ए क्यू माइनस बी क्यू, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी, थ्री ए बी को ए से मल्टीप्लाई कर देते, ए इंटू ए ए स्क्वायर होता है माइनस थ्री ए स्क्वायर बी हुआ माइनस माइनस प्लस, तो 3ab into b, तो 3ab का स्क्वायर हुआ, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर। तो उसी तरीके से अगर शुरू में मान लो कि रहता है a क्यू प्लस b क्यू, तो फिर इसको रखेंगे किस फॉर्म में, 3ab और a प्लस b के फॉर्म में। और अगर बाय चांस मान लिया कि शुरू में स्क्वायर आ जाता, अगर इस तरीके से आ जाता है a क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, नहीं प्लस और प्लस बी क्यू, तो फिर इन दोनों में क्या फर्क है, ये दोनों भी तो सेम ही है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, थ्री देखो थ्री ए बी इंटू ए, तो थ्री ए इंटू ए थ्री ए स्क्वायर बी, और थ्री ए बी इंटू बी तो थ्री ए बी स्क्वायर। अब दोनों फॉर्मेट में से देख लोगे, अगर इस फॉर्मेट में रहेगा ये आपका हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, और अगर इसमें रहा ये हो गया आपका a प्लस बी का होल क्यूब। क्लियर। अब कुछ और फैक्टराइज देते हैं और तुमको आइडेंटिफाई करना होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं करना, इसमें आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करके फिर वैल्यू रख देना है, और हम तो एकदम इजिली रखेंगे इसमें। जैसे कि क्वेश्चन आप लिखते हैं, देखो ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर थ्री ए बी स्क्वायर एक्स माइनस बी, कौन सा ये फॉर्म में है, ए क्यूब लास्ट में माइनस बी क्यूब है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले ए क्यूब बनाते हैं, ए के जगह पर क्या लिखेंगे ए एक्स, ए के जगह पर ए एक्स का होल क्यूब, ये आपका हो गया ए क्यूब, और बी क्यूब के जगह पर तो बी क्यूब। अब बीच में जो फॉर्मेट है वो 3a स्क्वायर b के फॉर्म में आने चाहिए, यानी कि 3a स्क्वायर a x का स्क्वायर, और यहां पर लिख दिए b, देखो तो आ गया ये 3, देखो 3a स्क्वायर x स्क्वायर, a स्क्वायर x स्क्वायर और b तो नहीं, ये आ गया ना 3ab स्क्वायर, तो a मेरा कितना था ax और b कितना था a क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब। एक एग्जाम्पल मेरा क्या है ए एक्स माइनस बी होल क्यूब। क्लियर। अभी भी डाउट है किसी को, डाउट को क्लियर कीजिए, ए क्यूब माइनस ट्वेल्व ए ए माइनस फोर सिक्सटी फोर, ब्रैकेट दे दिया है। सबसे पहला काम है कि आप इस ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिए, तो लिखोगे ए क्यूब
माइनस 12 ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 48 ए माइनस 64 ब्रेक कर दिए प्लस माइनस ठीक है प्लस माइनस ठीक ना। तो यहां से हम लोग लिखेंगे पहले ए क्यू आ गया मेरा ए क्यू और बी के जगह क्या लिखेंगे 4 का क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। अब यहां बीच में लिखेंगे 3 ए स्क्वायर और बी के जगह देखो 4 तो 3 इंटू 4 12 ए स्क्वायर आ गया ना और फिर लिखेंगे प्लस 3 ए बी स्क्वायर क्या हो गया फॉर्मूला ए क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू किसका फॉर्मूला है ए माइनस 4 का होल क्यू। और क्वेश्चन करवाया ऐसा दिमाग में चला गया। अब एक क्वेश्चन लास्ट करवाते हैं प्लस 16 ठीक है देखो जैसे लिखा हुआ मान लो 8 AQ 27 BQ 36 A² B 54 AB ठीक कौन सा फॉर्मेट में रख दे इसको ए क्यू प्लस बी क्यू 3 AB ब्रैकेट में ए प्लस बी है ना रख देना। तो यहां पे लिखेंगे किसका क्यूब है 2 A का होल क्यूब ये किसका होल क्यूब है 3 B का होल क्यूब। फिर यहां पे देखो अब ये लिख दिया अच्छा सर ये क्वेश्चन बनवा दिए क्या 8 AQ ये वाला चलिए इसको फालतू है इसको बनाना अच्छा 1 + 27 / 125 AQ + 9 A/5 ऐसा नहीं ना इसको बना लेते हैं 1 + 27 / 125 AQ 9 A/5 और फिर यहां पे 27 ए स्क्वायर बाय में 25 ठीक है। ये भी आपको ए क्यू बी क्यू नजर आ रहा होगा यहां पे 1 तो किसी का 1 तो है ना तो 1 का क्यूब हम इजीली लिख सकते हैं यहां लिखेंगे 1 का क्यूब फिर ये लिखेंगे 3 by 5 और ए लिख देंगे क्यूब तो ए क्यूब हो गया बी क्यूब हो गया। तो फिर हम लोग लिखते थे अपने मन से अब इसको मत ध्यान दो हम यहां लिखते 3 A और B 3 A/5 ब्रैकेट में लिखते हैं ए प्लस बी ए के जगह लिखते हैं 1 और बी के जगह लिखते हैं 3 A/5। अब इसको देखते हैं कि क्या मेरा ये ब्रेक करने के बाद यह आता है या नहीं आता 3 × 9 A/5 को 1 से इंटू करेंगे तो 9 A/5 आएगा 9 A/5 को अगर 3 A/5 से मल्टीप्लाई करें तो 9 A × 3 A 27 A² और 5 × 5 आ गया A³ + B³ + 3 AB A + B का होल क्यूब ये हो गया आपका 1 + 3 A/5 का होल क्यूब क्लियर। अब लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बता ही देते हैं जैसे लिखा हुआ है 103 का होल क्यूब
इसको ब्रेक करना है, तो 103 को तुम लोग क्या लिखोगे? 100 प्लस 3 का होल क्यूब। फॉर्मूला रख दे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, है ना, या ए क्यूब ये वाला रख देते, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, दोनों में से कोई रख सकते हैं, नीचे वाला ही रखते हैं। तो पहले लिखते ए क्यूब, फिर 3a² फिर b, ठीक है ना, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² और प्लस बी, ये इजीली आपको बैठ हो जाएगा। इसमें कहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 100 का क्यूब है तो 2 जीरो है ना, 2 जीरो का पावर 3 है तो 2 2 2 6, यहाँ पर लिखोगे 100 का स्क्वायर 4 जीरो 3 3 जा 9 9 के साथ 4 जीरो लगा दो, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा 27 27 लिख करके 2 जीरो लगा दो, और फिर यहाँ पर 9 देखो तो क्यूब है, अच्छा अच्छा क्यूब, तो 27 ऐड करना तो एकदम इजी है, ऐसे भी लग रहा है, यहाँ पे हमको लग रहा है कि 7 2 7 हो गया ना, यहाँ से 7 यहाँ से 2 7 2 हो गया ना, फिर यहाँ पर 9 फिर 0 कितना हो गया 0 1 है आंसर। क्या बोली, क्या छूट छूट गए, हाँ 9 9 2 7 7 यहाँ पे, ठीक है ठीक है, यहाँ पे 7 फिर उसका 2 फिर 9 फिर 0 फिर 1 1 0 9 2 7 2 7, ठीक है ना। चलिए उसी तरीके से अगर मेरे पास रहे, अगर रहे मान लिए कि 99 का होल क्यूब, 99 का होल क्यूब का तुम क्या लिखोगे, 99 का होल क्यूब लिखेंगे 100 माइनस 1 का होल क्यूब, लिखते हैं ए क्यूब माइनस 3a² और यहां लिखते हैं b, फिर प्लस 3ab² माइनस b का क्यूब, यहां से कितना हो गया 160 हो गया ना, और यहां से हो गया 100 का स्क्वायर 40, यहाँ पे 3 यहाँ पे लिखोगे 3 और साथ में 40, फिर यहाँ पे लिखेंगे 300 और फिर यहाँ पे 1 यहाँ पे हो गया 1 0 0 0 फिर 3 0 0 और माइनस 3 0 0 0 1 यहाँ से जाएगा मेरा 9 फिर यहाँ से 9 9 9 हो गया ना, फिर यहां से हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, फिर यहां पर हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, फिर यहां पर आएगा 7 फिर 9 फिर 9 हाँ 9 7 0 2 9 का, ठीक है क्लियर, यहां पे समझ में आ गया। एक्सरसाइज 3e को कल कंप्लीट करके लाओगे सर।